शहर के फतेहपुरा क्षेत्र में एक मकान मालिक द्वारा अपना मकान किसी अन्य को बेच देने और उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवा दिए जाने के बावजूद उस मकान को पुनः हथियाने के मकसद से जिसे मकान बेचा उसे ही किराएदार बताते हुए मकान हड़पने का प्रयास किया गया और संबंधित थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दी गई। दरअसल शहर के फतेहपुरा क्षेत्र में रहने वाले कयूम अली और उसकी पत्नी सलमा ने अपना मकान अरुण नागदा को बेच दिया, जिसकी उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में अरुण नागदा के नाम वर्ष 2013 में रजिस्ट्री भी करवाई और उसका रुपया भी लिया। साथ ही मकान के दस्तावेज अरुण नागदा को सुपुर्द करते हुए मकान का कब्जा भी अरुण नागदा को दे दिया। उसके बाद अरुण नागदा अपने परिवार सहित 2013 में इसी मकान में रहने लगा। मकान में रहने के बाद अरुण नागदा ने मकान का बिजली कनेक्शन भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया और मकान पर बैंक से लोन भी लिया। इस मकान की रजिस्ट्री अरुण नागदा के नाम पर करवाने के बाद कयूम अली अपनी पत्नी सलमा के साथ 2013 में ही देवेंद्र अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गया। इसके बाद कयूम अली ने खुद ने साल 2017 में मकान की रजिस्ट्री की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त कर अरुण नागदा को सुपुर्द कर दी, जबकि कयूम ने पुलिस में लिखवाई रिपोर्ट में कहा कि उसे मकान की रजिस्ट्री का तब पता चला जब वो 2020 में बिजली का बिल लेने गया तो देखा कि मकान अरुण नागदा के नाम है, जबकि सच यह है कि मकान बेचने के बाद भी कयूम की नीयत में खोट आ गई थी और वह उसी मकान के ऊपरी हिस्से को गिरवी लेकर अरुण नागदा के मकान में ही रहने लगा। कुछ समय बाद ही कयूम और उसकी पत्नी ने मिलकर मकान पर कब्जा करने की नीयत से एक कूटरचित फर्जी किराया चिट्ठी बनाकर अरुण नागदा व उसके परिवार के खिलाफ अम्मावता थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कयूम खुद मकान का मालिक है और अरुण उसका किराएदार। इस पूरे मामले में अरुण नागदा ने न्यायालय की शरण ली और पुनः जांच की मांग की तो पुलिस ने इस जांच में कयूम और उसकी पत्नी सलमा द्वारा दर्ज करवाई गई दोनों FIR में आरोपों से निराधार पाया और अरुण नागदा और उसके परिवार को निर्दोष मानते हुए उनके हक में FIR दे दी। जब अरुण नागदा ने इस संबंध में बताया कि इस मामले के बाद उनकी व्यापारिक एवं सामाजिक छवि धूमिल हुई है, जिसको लेकर वह कयूम अली और उसकी पत्नी सलमा के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने अरुण नागदा से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले को कर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कयूम अली को मैं सन 2009 से जानता हूं, 9-10 से जानता हूं। मेरे बिजनेस के अंदर जो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसके अंदर एक कमीशन एजेंट का काम करता है, मेरे साथ के और भी लोगों के कमीशन एजेंट का काम करता है, ज़्यादा उसका 5-10,000-20,000 जो भी कमीशन होता है वो उसे हाथों हाथ दे दिया जाता था पर शिपमेंट के अंदर। कयूम अली कभी मेरा पार्टनर नहीं रहा है, ना कोई ऐसी पार्टनरशिप डीड हुई है, ना कभी ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें वो मेरा पार्टनर है, ना कोई ऐसा एक तथ्यहीन मेरे ऊपर आरोप लगाया कि वो मेरा बिजनेस का पार्टनर रहा है। सन 2012 के अंदर उसने मुझे ऐसी मंशा जताई कि मैं अपने मकान को और प्लॉट को बेचकर बैंकॉक शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैंने उसका आग्रह स्वीकार किया और 2012 के अंदर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से उसका मकान खरीदने का एक एग्रीमेंट किया। सन 2013 के अंदर मैंने उस मकान के संपूर्ण पैसे RTGS चेक व कैश दे के रजिस्ट्री करवा ली तथा उस मकान के अंदर शिफ्ट हो गया और बिजली का बिल वगैरह सब मेरे नाम पे करवा लिया मैंने और उस मकान के अंदर कुछ मेरे किराएदार भी रहने लग गए थे और किराए चिट्ठी उन किराएदारों की मेरे पास आज तक है। उस मकान के ऊपर आज तक भी मेरा एक बैंक लोन भी चल रहा है। कयूम अली 2013 के अंदर गुरु देवेंद्र अपार्टमेंट के 605 नंबर फ्लैट के ऊपर शिफ्ट हो गया था, पर कुछ वर्षों बाद एक षड्यंत्र रचकर वो मेरे पास वापस आया और अपनी मंशा जताई कि मैं इस मकान के अंदर रहना चाहता हूँ क्योंकि उस फ्लैट के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा है। तथा 2017 के अंदर मैंने उसको भी मकान 5 साल के लिए गिरवी दिया और उस रहननामे को हमने नोटराइज भी कराया, जो कि जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास आज भी है और वो रहननामा 2022 अगस्त महीने में समाप्त होने वाला है। इस दौरान कयूम अली ने जो षड्यंत्र रचा था उसके तहत उसने और उसकी पत्नी ने मेरे खिलाफ कुछ आधारहीन और तथ्यहीन झूठे मुकदमे दर्ज करवाए और उन मुकदमों को दर्ज करा कर मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगा या मुझे दबाव में लेने लगा कि मैं ये मकान छोड़ दूं या ये प्लॉट उसको वापस दे दूं या कुछ और पैसे मुझसे वो ऐंठना चाहता था। तथा इस सारे क्रम में उसके साथ उसके कुछ भूमाफिया दोस्त भी थे और
वो सब मिलके मुझ पे ऐसा दबाव बनाना चाह रहे थे, पर मैंने इन सब से निकल के हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट के अंदर धारा 482 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई, जहां से मुझे इसके ऊपर एक स्टे मिला। और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस ने संपूर्ण तथ्यों की गहनता से जांच करी और ये पाया कि कयूम अली ने जो भी मेरे पर मुकदमे दर्ज किए हैं वो झूठे हैं, तथ्यहीन है, आधारहीन है। इसके अंदर कोई भी दस्तावेज ऐसा कयूम अली ने आज तक भी पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि मैंने ये मकान की रजिस्ट्री या प्लॉट की रजिस्ट्री जो करवाई है वो झूठी करवाई है या कुछ इसके अंदर फ्रॉड हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तथा संपूर्ण पैसे की लेन देन के अंदर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी थी, पूरा पैसा उसको दिया है मैंने, एक भी पैसा उसके एवज में बाकी नहीं है। सिर्फ ये एक ब्लैकमेलिंग का और एक्सट्रोशन का मामला है। मैं पुलिस से भी चाहूँगा कि इसके अंदर कयूम अली और उसकी पत्नी और इसके साथ जो भी भूमाफिया लगे हुए हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस मामले में रजिस्ट्री हो चुकी थी और बाद में ये क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं, तो हमने अनुसंधान करके मामला माननीय न्यायालय में पेश किया है, सारे तथ्य हैं न्यायालय में विचाराधीन है। सर किस तरह की बातें सामने आई? ऐसा कुछ ये प्रथम दृष्टया तस्वीर प्रकृति का मामला पाया गया है।